दोस्तों, क्या मधुमक्खियां डंक मारने के बाद खुद ही मर जाती हैं? क्या हमारे अंदर मधुमक्खियों के लिए जहर होता है? देखिए, पहली बात तो सभी तरह की मधुमक्खियां डंक नहीं मार सकती, और कुछ ऐसी मधुमक्खियां भी होती हैं जिनके पास तो डंक ही नहीं होता। मधुमक्खियों का डंक मुंह की तरफ नहीं होता बल्कि पीछे की तरफ होता है, जिसके साथ पेट और ऑर्गन्स जुड़े होते हैं, और इनके डंक पर भी कांटेदार बाल होते हैं। अब जब भी ये किसी के खाल में अपना डंक घुसेड़ती है तो उनका डंक उसी में ही फंस जाता है, जिसे निकालने के चक्कर में मधुमक्खी का पीछे का हिस्सा टूट जाता है और फिर कुछ समय बाद ही उसकी मौत हो जाती है। मधुमक्खियां शहद अपनी उल्टी से बनाती हैं या फिर पॉटी से? अब आधे लोग तो यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। दरअसल मधुमक्खियों के पास पेट में एक अलग से जगह होती है जिसके अंदर वो फूलों का रस भर के लाती हैं, और उसके अंदर एक खास तरह का एंजाइम मिक्स हो जाता है, और इस मिक्सचर को मधुमक्खियां हनीकॉम्ब में उल्टी कर देती हैं, जिसके बाद ये दुनिया का सबसे मीठा शहद बन जाता है। और मेहनत का फल मीठा होता है, इस बात को मधुमक्खियां साबित कर देती हैं। वैसे आप में से किस किस को मेरी तरह शहद पसंद है?